आज 75 साल की आजादी के बाद हम लोग 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं, और 18 घंटे आप कह रहे हैं, 8 घंटे भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है जमीन की, प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इस फैसले के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली देने में लग गई है, उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देने में लग गई है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है, लालची है। विधानसभा चुनाव को पहले बिजली को लेकर जिस तरह का ऐलान किया है, उसके बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया माफ, किसानों की बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली, इस फैसले के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली देने में लग गई है, उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देने में लग गई है। इनके मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है, लालची है। जनता को अपमानित कर रहे हैं आप। विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को मिल सकती है। जनता के पैसे से इनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिल सकती है, कार मिल सकती है, गाड़ियां मिल सकती है, बंगले मिल सकते हैं, ऑफिस मिल सकते हैं। लेकिन अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है, लालची है। ये क्या बात है? प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और सारे पुराने बकाया माफ उत्तर प्रदेश की जनता फाड़ कर फेंक देगी, ये आम आदमी पार्टी कहना चाहती है, और किसानों को फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। आज 75 साल की आज़ादी के बाद हम लोग 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं। यानी मंत्री भी अपने बयान में आलोचना करने के बाद खुद ही बता रहे हैं, हम तो गांव में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं साहब। क्यों 18 घंटे दे रहे हैं, 24 घंटे क्यों नहीं दे रहे हैं आप, पहली बात। और 18 घंटे आप कह रहे हैं, 8 घंटे भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है जमीन की, तो फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, पुराने बकाया माफ के फैसले से सूर्य प्रताप शाही जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को, जो मुफ्तखोर और लालची कहा है, उसके लिए आदित्यनाथ जी को, सूर्य प्रताप शाही जी को माफी मांगनी चाहिए, नंबर एक। और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और हम लोग पूरे प्रदेश में फ्री बिजली को लेकर यात्राएं करेंगे, अभियान चलाएंगे, जिसकी एक शुरुआत 5 अक्टूबर को प्रयागराज से, इसी धरती से हम लोग करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।